बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ कथित तौर पर कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में भोपाल में केस दर्ज कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच में कमलनाथ के खिलाफ धारा 188 और 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याद दिला दें, कमलनाथ ने कोरोना को इंडियन वेरियंट कहा था और उसी पर यह पूरा बवाल मचा। गोविंद हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद, किसकी शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है? देखिए, बीजेपी के भोपाल के कुछ नेता हैं, इनमें मंत्री भी शामिल हैं, विश्वास सारंग और राहुल कोठारी, युवा नेता बीजेपी के, जिनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ है कमलनाथ पे। और तमाम तरह की शिकायतों का जिक्र किया है इस शिकायतनामे में बीजेपी पार्टी के लोगों ने। मसलन किस तरह से कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए एक कांग्रेस के विधायक से आग लगाने की बात कही कि ये सही मौका है आग लगाने के लिए, और किस तरह से कमलनाथ ने जो मौत के आंकड़े हैं कोविड से मध्य प्रदेश में, उनको लेके भ्रमित किया मध्य प्रदेश की जनता को। ऐसे तमाम शिकायतें बीजेपी पार्टी के लोगों ने इस पूरी शिकायतनामे में रखी है, जिसको लेकर 188 और 56 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है कमलनाथ के खिलाफ कल क्राइम ब्रांच में। सो दिस इज, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द अपडेट इन दैट कंसर्न, बट हियर कांग्रेस पार्टी भी अब अटैकिंग मूड में है, और जो इंदौर से कुछ नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान जो सीएम है उनके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करवाएंगे इसी तरह के मसलों को लेके। और दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह, उन्होंने कहा है कि ये जो मौत के आंकड़े हैं वो शिवराज सरकार बिल्कुल भ्रमित कर रही है, 20 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं और सरकार कम बता रही है, तो वो इस चीज को भी एक्सपोज करेंगे जयवर्धन सिंह, जो कांग्रेस से विधायक हैं राघोगढ़ से, दिग्विजय सिंह के बेटे। सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट अटैक इन काउंटर अटैक स्टार्ट्स ऑन द नेम ऑफ कोविड 19 डेथ फिगर्स एंड अदर इश्यूज। जी गोविंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।